दामोदर नदी के सुदामडी सूर्य मंदिर घाट एवं सिंदरी डोमगढ़ घाट पर दामोदर महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में दामोदर बचाओ आंदोलन के साथ साथ भारतीय मजदूर संघ सर्वोमुखी विकास परिषद एवं बिरसा मुंडा स्काउट गाइड के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर दामोदर नदी का पूजन आरती के साथ साथ विचार गोष्ठी भी आयोजित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संयोजक अरुण राय ने कहा कि दामोदर नदी 2004 तक विश्व स्तर के प्रदूषित नदी में गिना जाता था। दामोदर बचाओ आंदोलन के लगातार प्रयास से आज दामोदर नदी 95% औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त हो चुकी है। नगर निगम एवं नगर परिषद के प्रदूषित जल मल आज भी दामोदर में गिर रही है, जिसे दामोदर प्रदूषित हो रही है। इस प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता है, तभी दामोदर नदी प्रदूषण मुक्त हो रहा है। दामोदर बचाओ आंदोलन जिला संयोजक आज गंगा दशहरा के अवसर पर धनबाद में 6 स्थानों पर दामोदर महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज हम लोग सिंदरी डोमगढ़ घाट पर दामोदर महोत्सव मनाने के लिए आए हैं। एक समय था 2004 का, जब दामोदर में हम लोग जब आए थे पहली बार, उस समय दामोदर विश्व के प्रदूषित नदियों में गिना जाता था। दामोदर में डस्ट और वायल ग्रीस पाए जाते थे, ऑक्सीजन समाप्त हो चुका था, जलीय जीव समाप्त हो चुका था 2004 में। उसके बाद से हम लोग जब इस दामोदर बचाओ आंदोलन के बैनर तले इसको प्रदूषण मुक्त करने का अभियान चलाया, लगातार प्रयास के कारण आज दामोदर का जल 95% औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त हो चुका है, ऐसा जांच रिपोर्ट में आया है। इसी क्रम में हम लोग आज पूरे झारखंड में 22 स्थानों पर जहां से दामोदर निकला है, चूल्हा पानी लातेहार बोदा पहाड़ वहां से निकला है दामोदर, वहां से लेकर के झारखंड के अंतिम छोर पंचेत तक 22 स्थानों पर आज दामोदर नदी का पूजन कार्यक्रम हो रहा है। दामोदर महोत्सव